हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी राजगांवपुर में हूँ दोस्तों, जहाँ पे आई लव सुंदरगढ़ लिखा हुआ है ना, जिसे रानीगंज चौक बोलते हैं, वही चौक में हूँ। और आज का प्लान ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं कांसबहल डैम बोल के, और आज मेरे साथ अतुल्य हैं जो कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहे हैं वहाँ से। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव सुंदरगढ़। कुछ समय पहले बहुत वायरल हुआ था, लोग समझ रहे थे कि ये सुंदरगढ़ टाउन में है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजगांवपुर में है। अभी क्या सीन ऐसा है कि अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे और उसके बाद निकलना है यहाँ से जो है कांसबहल डैम के लिए। इस चौक से जाना पड़ेगा। और ये रहे अतुल्य भाई, जो कि आज हम दोनों साथ में जा रहे हैं कांसबहल डैम। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स को ख़त्म करता हूँ मैं और उसके बाद निकलते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ से इधर जाना है, तो गूगल मैप में दिखा रहा है, तो चलिए राइड को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों राजगांवपुर से कांसबहल डैम की दूरी 20 किलोमीटर है, तो अगर आप राजगांवपुर होके कांसबहल डैम जाओगे तो सबसे पहले आपको राजगांवपुर का जो फाटक चौक है वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अगर आपका किस्मत सही है तो आपको फाटक गेट खुला हुआ मिल जाएगा। दोस्तों फाटक क्रॉस करने के बाद दो रास्ता आपको मिलेगा, एक हो गया आपका राइट साइड जाने का जो कि बनखमन का रास्ता है, आपको वो रास्ता छोड़ देना है और लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ के सीधा आपको 4 से 5 किलोमीटर सीधे रास्ते पे जाना है। तो हाँ जी भैया, राजगांवपुर से सीधा आने के बाद आपको यहाँ पे एक चौक देखने को मिलेगा, जगह का नाम मंदिरिया बोल रहे हैं, मंदिरिया डैम वाला नहीं, मंदिरिया गांव बोल रहे हैं इस जगह का नाम। तो ये देखिए, ये रहा कैनाल, और कैनाल से यहाँ से आपको जाना है राइट। तो ये रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप में भी, और यहाँ के लोकल से भी हमने बात किया तो वो बोले इसी रास्ते में आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं कांसबहल डैम। थोड़ा गूगल मैप में फॉलो करके जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और बार बार मेरा जो है कैमरा हैंग हो रहा है, तो पता नहीं ये भी शॉट अच्छे तरह से शूट हुआ है या नहीं, तो ऐसा कुछ बात है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ से बोल रहे थे कि जो यहाँ पे कैनाल है, कैनाल के साइड साइड में जाना पड़ेगा। और ये देखिए कैनाल, पानी देख के पूरा नहाने का मन कर रहा है अतुल्य भाई, हो रहे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के राइड को स्टार्ट करते हैं और आज आपको दिखाता हूँ कांसबहल डैम, ठीक है? तो स्टे ट्यून। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कांसबहल डैम में, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना डैम, मुझे पता नहीं था इतना अंदर डैम है बोल के। मैं सोच रहा था एक छोटा सा डैम होगा, क्योंकि संध्या आए थे यहाँ पे पिकनिक के लिए उनके स्कूल के तरफ से, तो मुझे पिक सब भेजे थे तो सूखा सूखा टाइप का था, लेकिन अभी पूरा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको क्या ही बोलूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, और आज जो मौसम है ना बहुत ही शानदार, बादलों को देखिए आप। हम लोग इसी रास्ते से आए दोस्तों, देखिए ये वही कैनाल है दोस्तों, जिस कैनाल के रास्ते में हम लोग आए, और वहाँ पे लोग नहा रहे हैं दोस्तों। जहाँ पे पानी छोड़ते हैं ना
अभी मैं उस साइड में चलते हुए जा रहा हूँ और व्यू देख के तो पूरा दिल खुश हो गया है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी मेरे माइंड में कुछ ऐसा वर्ड्स नहीं आ रहा है यहाँ का ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार पिकनिक मनाने के लिए पूरा एक नंबर जगह है। अगर आप राहुल किला के आसपास से आ रहे हो तो, हम लोग एक्चुअली राजगांवपुर से आए, तो राहुल किला से अगर आओगे तो आप गूगल में फॉलो कर लेना, मुझे एग्जैक्टली अच्छे तरह से पता नहीं है, हम लोग भी गूगल में फॉलो करके ही आए हैं। और देखिए दोस्तों, देखिए क्या व्यू है, देखिए। और डोरू छो कहाँ जो डोरू छो, तो ये रहा, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। मुझे एक्चुअली उस साइड में जाना था, देखेंगे ट्राई करेंगे जाने के लिए, लेकिन व्यू भाई साहब क्या व्यू है दोस्तों। अभी अतुल्य बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट करने के लिए, उनका फ़ोटो सब यहाँ पे क्लिक करना है, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ का जो है पिकनिक कहाँ पे मनाते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं अभी अतुल्य का फ़ोटो सब क्लिक करता हूँ, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। दोस्तों अभी जो यहाँ पे फ़ोटोशूट था वो कम्प्लीट हो चुका है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पे या तो अतुल्य के इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, एक्चुअली मुंह धोना है, पूरा ऑयली ऑयली हो गया है, धूप में सूट करके पूरा ऑयली हो गया है फेस, और आज तो बहुत ही ज़्यादा धूप दे रहा है, लेकिन फ़ोटो सब अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए डैम का व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार। तो अभी थोड़ा मुँह धोना है, और उसके बाद निकलेंगे जो है उस साइड में, जो अपोजिट साइड है उस साइड में जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा जो है इस डैम का गेट वो दिखाऊंगा जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और इस डैम का जो लास्ट पॉइंट है उस साइड में जाएंगे, ठीक है। ड्रोन शॉट भी आएगा वीडियो में, लेकिन वो बाद में। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जो डैम का गेट है वहाँ पर, और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गेट के पूरा ऊपर तक पानी है, पूरा टॉप पूरा उछल पुछल पानी है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना गेट है, 1, 2, 3, 4, 5 गेट है दोस्तों। और वहाँ पे देखिए मछली पकड़ रहे हैं वहाँ पे, अतुल्य गिनमा गए। और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है और नीचे जाता है जो पानी है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सब पिकनिक मनाने के लिए मस्त जगह है, पेड़ पौधा पूरा भरा हुआ है, आराम से आके आप यहाँ पे पिकनिक मना सकते हो। तो अगर आप राजगांवपुर, सुंदरगढ़ या राउरकेला से हो तो आओ यहाँ पे यार, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए भी, उस साइड भी है। संध्या आए थे तो उतना पानी नहीं था और उतना खास भी नहीं दिख रहा था फ़ोटो में, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो पूरा सरप्राइज़ हो गया, इतना अच्छा जगह है, और मैं छोड़ दे रहा था। करीबन ये हो गया पिछले साल से आने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन संध्या जो फ़ोटो मुझे दिखाए थे जब वो पिकनिक आए थे, तो वो फ़ोटो देख के मुझे मन नहीं कर रहा था यहाँ पे आने का, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे आए हैं, और जगह बहुत ही मस्त है, मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है, पूरा बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो अभी जो है मैं आपको गेट दिखा दिया, तो अभी जो है देखिए हम लोग उस साइड से आए हैं दोस्तों, उस साइड से, तो अभी हमको पूरा उस साइड में जाना है, पूरा लास्ट पॉइंट पे जाना है, और वहाँ पे देखेंगे क्या सब कुछ है। तो मिलते हैं आपसे डैम का जो है लास्ट पॉइंट में, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं जो डैम का, और यहाँ पे ना साइड में बैठने के लिए जगह सब बनाया हुआ है, और पिकनिक मनाने के लिए भी जगह है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा यहाँ पे आके, जगह कैसा है थोड़ा बताएं मेरे व्यूअर्स को। अच्छा है, अच्छा घूमने के लिए आए थे या पिकनिक के लिए? बर्थडे पार्टी आए थे। आपका बर्थडे? नहीं, फ्रेंड का। अच्छा, तो दोस्तों कहाँ पे बैठते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कहाँ पे पिकनिक वगैरह करते हैं यहाँ का। मैंने तो आपको दिखाया जैसे कि नीचे पिकनिक मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट में यहाँ पे भी पिकनिक मनाने के लिए जो है जगह सब है। तो ये देखिए ऐसा कुछ है, पूरा गंदा कर दिया है यार यहाँ पे, पूरा प्लास्टिक वगैरह फेंक के सब। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए तो आप ऐसा मत करना, जो भी आप सामान ला रहे हो मेनली प्लास्टिक, तो इधर उधर मत फेंकना क्योंकि गंदा हो जाता है यार। यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है, और यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार। और वहाँ पे
और तिल्या भाई खड़े हुए हैं, उनका भी हालत ख़राब हो गया है भूख में। एक्चुअली हम लोग आज लेट से निकले ना, तो नाश्ता ही करके निकले हुए हैं। राजगांवपुर हम करीबन 12 बजे पहुंच गए थे, लेकिन भूख नहीं लग रहा था तो नहीं खाए कुछ भी, लेकिन अभी हालत ख़राब हो रहा है। मैंने तो लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे क्या सब कुछ है आपको दिखा दिया। तो और एक है जहाँ जिस साइड से हम लोग डैम आए थे ना, वहाँ पर साइड में एक पहाड़ टाइप का है, वहाँ पर जाने का मेरा मन कर रहा है, तो वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊँगा क्या सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं उस साइड में, मैं आपसे मिलता हूँ जो डैम का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे, ठीक है। दोस्तों वो रहा लास्ट पॉइंट, वहाँ पे गाड़ी छोड़ के आपको पैदल आना होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा रिक्स लेके गाड़ी साथ में लाए हैं। ये रहा गाड़ी, और इस साइड में आने का मकसद ये है कि वहाँ पर एक आइलैंड टाइप का है और वहाँ का मुझे शॉर्ट्स लेना है, तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाता है, नहीं तो गाड़ी छोड़ देंगे, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो जो गाड़ी छोड़ दिया है हमने वहाँ पे, क्योंकि रास्ता सही नहीं था, और अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं और करीबन हम लोग पहुँच गए हैं जो आइलैंड के पास में। और जो व्यू दिख रहा है भाई, थोड़ा चलने का जो कष्ट हमने लिया अपने सर, उसका फल प्राप्ति होने वाला है अभी। तो दोस्तों देखिए, इस आइलैंड के बारे में बोल रहा था मैं, देखिए बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, तो अभी एंजॉय कीजिए आप यहाँ का ड्रोन शॉट। दोस्तों ड्रोन शॉट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आए घूमने के लिए। राजगांवपुर से करीबन 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ऐसा कुछ दिखा रहा था। मैं गूगल मैप का जो है लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पिकनिक मनाने के लिए या फिर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, एक बार ज़रूर यहाँ पर आए। और कोई अगर यहाँ पर पहले से आए हुए हैं, कोई अगर ये जगह को देखा है, तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपके घर के पास में अगर कोई जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ का चाहते हो कि मैं जाके वहाँ पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो, मैं 100% वहाँ पे जाके वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।